स्पेस और टाइम एक ऐसा चीज है जिसको लेकर साइंटिस्ट कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतने बड़े यूनिवर्स में क्या हम सिर्फ अकेले हैं? नहीं, मैं कोई एलियन सिविलाइजेशन का बात नहीं कर रहा हूँ। क्या इस यूनिवर्स में आप कहीं और भी मौजूद हैं? अगर मैं कहूँ कि हाँ, ये पॉसिबल है और हमारे रियलिटी की तरह ही ऐसा करोड़ों आप और हमारे जैसे सेम रियलिटी ही मौजूद है, और क्या होगा अगर हम एक ऐसा पोर्टल को खोल पाए जिससे हम एक पैरेलल यूनिवर्स में जा सके? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो ये है साइंस स्कोप और मैं हूं देवाशीष। तो चलिए जान लेते हैं। 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग के बाद हमारा इस यूनिवर्स का जन्म हुआ। लेकिन तब शायद सिर्फ हमारा ये यूनिवर्स का ही जन्म नहीं हुआ था। फिजिक्स के मुताबिक उस समय स्पेस और टाइम कंबाइंड यानी एक साथ मिलकर और एक डायमेंशन को बनाया था जो है स्पेस टाइम। साइंटिस्टों के मुताबिक अगर ये स्पेस टाइम फ्लैट है और अगर ये हमारे ऑब्जर्वेशन लिमिट से बाहर बहुत दूर तक फैला हुआ है तो ये पॉसिबल है कि स्पेस टाइम में अनकाउंटेबल और डिसकनेक्टेड यानी एक दूसरे से अलग यूनिवर्स भी मौजूद है। लेकिन आज तक साइंस के बारे में हम जो भी जानते हैं उसके मुताबिक ऐसा कोई तरीका ज़रूर मौजूद है जिससे हम उस यूनिवर्स के बबल्स को साथ में रख पाए। साइंटिस्टों के मुताबिक कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जिनमें रियलिटी खुद को रिपीट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब हमारे ब्रह्मांड की रियलिटी एक बहुत बड़े रियलिटी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, और शायद आप ही की तरह कोई और पैरेलल यूनिवर्स में रह रहा है हूबहू हमारे यूनिवर्स की तरह। साइंटिस्टों के मुताबिक वो पैरेलल यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स से सिर्फ एक सेंटीमीटर के मिलियंथ ट्रिलियंथ 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 हिस्से जितना भी करीब मौजूद हो सकता है। लेकिन इन सब यूनिवर्स को एक दूसरे से डिवाइड करके रखने का काम एक वॉल या दीवार कर रहा होगा जो कि हर यूनिवर्स के किनारों पर मौजूद है। लेकिन इस दीवार को पार करना उतना भी आसान नहीं होगा। लेकिन थ्योरी के मुताबिक हम ऐसा कुछ कर भी सकते हैं, तो इसीलिए हमें एक पोर्टल खोलना होगा या बनाना होगा जो कि हम लोगों को पैरेलल यूनिवर्स में ले जा सके। इसका मतलब ये पोर्टल एक टनल की तरह काम करेगा जिसके एक तरफ होगा हमारा अपना यूनिवर्स और दूसरी तरफ होगा पैरेलल यूनिवर्स। टेनेसी के ओक रिज यूनिवर्सिटी के कुछ फिजिसिस्ट पैरेलल यूनिवर्स का एक पोर्टल खोलने के लिए 85 मेगावाट्स का एक रिएक्टर को यूज़ कर रहे हैं जो कि उनके ऑर्डर पर करोड़ों न्यूट्रॉन्स को एक साथ फायर कर सकता है। ये सब एक थ्योरी से आया था जो कहता है अगर आप एक दीवार में न्यूट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में शूट करेंगे तो कोई भी न्यूट्रॉन्स उस दीवार को पास नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कुछ न्यूट्रॉन्स दीवार को पास कर भी लेता है तो उसका मतलब वो न्यूट्रॉन्स दो यूनिवर्स के बीच में उस दीवार को पार करते वक्त खुद की मिरर इमेज में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा? न्यूट्रॉन्स का एक बात बहुत ही अजीब है। जब हम पार्टिकल्स की एक बीम में इन न्यूट्रॉन्स को छोड़ते हैं तब ये न्यूट्रॉन्स सिर्फ 14 मिनट्स और 48 सेकंड तक ही सरवाइव कर पाता है, और इसके बाद ये न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में डिके हो जाता है। लेकिन आप अगर इस न्यूट्रॉन्स को लैब बॉटल्स में रखें तो ये न्यूट्रॉन्स 10 सेकंड पहले ही प्रोटॉन में डिके हो जाएगा। ये एक ऐसा चीज़ है कि इसको आज की फिजिक्स से भी हम समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि सभी न्यूट्रॉन्स एक ही जैसे होते हैं तो उनको चाहे कहीं पर भी रखा जाए तो भी इनके लाइफ टाइम में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो क्या ये पॉसिबल है
एक्चुअली वो न्यूट्रॉन एक्सपेरिमेंट प्लान के मुताबिक नहीं गया हो, क्योंकि शायद फिजिसिस्ट एक्सीडेंटली मिरर यूनिवर्स का एक पोर्टल ऑलरेडी खोल दिया है। अगर ऐसा है तो ये बात पहला प्रूफ हो सकता है कि स्पेस में सिर्फ हमारा यूनिवर्स ही अकेला मौजूद नहीं है, बल्कि हमारे इस यूनिवर्स के साथ कोई और भी पैरेलल यूनिवर्स मौजूद है, जो कि हमारे यूनिवर्स का एक मिरर वर्जन हो सकता है। यानी उस मिरर यूनिवर्स में हमारे एटम्स के भी मिरर वर्जन मौजूद होंगे, और शायद वहाँ पे हमारे अर्थ का भी मिरर वर्जन यानी मिरर अर्थ भी मौजूद हो। हाँ, मुझे पता है कि इस मिरर वर्ल्ड के बारे में सुन के आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जैसे क्या हम कभी भी उस पैरेलल यूनिवर्स में जा पाएंगे और क्या हम हमारे मिरर वर्जन से मिल पाएंगे। तो यहाँ पे सब चीज़ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हालांकि पार्टिकल अपने कॉन्फ़िगरेशन को रिपीट कर सकता है, लेकिन किसी ऐसे दुनिया के किसी पोर्टल के मिलने का चांस जो कि बिल्कुल हमारे दुनिया के जैसा है लगभग इक्वल्स टू जीरो है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में करीब इतने सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं, यानी एक के पीछे 90 जीरोस। इसमें से हर एक पार्टिकल को 13.8 बिलियन सालों से बिल्कुल सिमिलर इंटरैक्शन से गुजरना होगा जो हमारे इस यूनिवर्स में हुआ था। तब जाके एक ऐसा यूनिवर्स बनेगा जो कि हमारे यूनिवर्स का एक मिरर वर्जन होगा, और जिसका फिजिक्स हमारे यूनिवर्स के बिल्कुल ऑपोजिट होगा। लेकिन कोई भी इसको प्रूफ नहीं कर सका है, क्योंकि कोई भी अभी तक एक भी मिरर पार्टिकल्स को ढूंढ नहीं पाया है। शायद इसका जवाब हमें हमारे लैब में नहीं मिलेगा, शायद इसका जवाब हमें हमारे स्पेस से ही मिल सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा ये स्पेस डार्क मैटर से भरा हुआ है और हम इसको देख नहीं सकते हैं, और हम ये भी नहीं जानते कि ये किस से बना हुआ है। लेकिन हम इस डार्क मैटर के बारे में एक चीज जरूर जानते हैं कि ये डार्क मैटर इतना पावरफुल है कि ये गैलेक्सीज को बिखरने से रोकता है। लेकिन इस डार्क मैटर के बारे में हमें ये पता होने के बाद भी हम इसको अभी भी ढूंढ नहीं पाए हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये डार्क मैटर दूसरे किसी यूनिवर्स से लीक हो रहा है और जिसका इफेक्ट हम हमारे यूनिवर्स में देख रहे हैं। लेकिन अगर हम डार्क मैटर के ओरिजिन को ढूंढ ले तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारे इस यूनिवर्स के बाहर एक पैरेलल यूनिवर्स मौजूद है, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे इस यूनिवर्स में विजिबल मैटर से 5 गुना ज़्यादा डार्क मैटर मौजूद है। तो ये तो कंफर्म है कि मिरर यूनिवर्स हमारे इस यूनिवर्स से बहुत ही बड़ा होगा, और अगर हम मिरर वर्ल्ड में जाने का एक पोर्टल बना भी लेते हैं तब उस पोर्टल को बहुत ही छोटा होना पड़ेगा, इतना छोटा कि कोई पावरफुल लैब इक्विपमेंट के बिना उस पोर्टल के पार देखना हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा। इसलिए आप ऐसा पैरेलल यूनिवर्स में तभी जा सकते हैं जब आप इतना छोटा हो जाए कि आपका साइज एक एटम की तरह हो। लेकिन अगर हम फ्यूचर में कभी भी कोई पोर्टल खोल दें और वहाँ पे जाके हम ये देखें कि वहाँ पे पैरेलल यूनिवर्स में कोई हमारे वर्ल्ड का मिरर वर्जन नहीं, बल्कि एक अलग ही यूनिवर्स मौजूद है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो क्या होगा? काश उसका आंसर भी हमारे पास होता। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं साइंस से किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट एपिसोड में साइंस स्कोप के साथ।